आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा मजबूत हुआ विपक्षी मोर्चा, सीट शेयरिंग पर चर्चा। दरअसल दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ती हुई दिखी है। गठबंधन में शामिल कई दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल करने की मांग रखी। बैठक में तय हुआ कि सीट शेयरिंग पर चर्चा स्टेट लेवल पर होगी। पहले राज्यों के नेता सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली में बैठक होगी। रिपोर्ट उसी पर बनाइए, आप भी देखिए। चौबीस की चुनौती पर चर्चा के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता चौथी बार मिले तो सामने सवाल था कि क्या बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला निकलेगा। सीट शेयरिंग वाला मुद्दा एजेंडे में सबसे ऊपर था। बैठक में 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। बैठक में कई दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने पर जोर दिया। तय हुआ कि पहले गठबंधन की पार्टियां स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग की चर्चा करेंगी। स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग में अड़चन आने पर दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। हालांकि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को लेकर भी पूरी सहमति नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे दिल्ली में चर्चा की बात कह रहे हैं तो झारखंड को लेकर हेमंत सोरेन रांची में चर्चा चाहते हैं। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड करेंगे। दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। सीट शेयरिंग स्टेट लेवल, लेकिन हम मिलेंगे नहीं, ये किसने कहा? ये तो पूछ रहा हूं। नहीं, मिलेंगे भी और सीट शेयरिंग के लिए भी बातें होंगी, जल्दी हो जाएगी सब कुछ, अब तो फास्ट ट्रैक पे है सब चीज। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा का तत्काल असर ये दिखा कि कांग्रेस ने 5 सदस्यों की अलायंस कमेटी बना दी। सीट शेयरिंग के साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठक में बीजेपी के खिलाफ एजेंडे पर भी चर्चा हुई। चर्चा हुई कि सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में कौन से मुद्दों को उठाया जाए। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर इंडिया के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। बैठक में चुनाव अभियान और मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, इस पर बात हुई। बात हुई कि कहां कितनी रैलियां होंगी, स्टार कैंपेनर कौन होंगे। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू हो सकती हैं। देश भर में 10 रैलियां हो सकती हैं। चर्चा है कि गठबंधन की पहली रैली पटना में हो सकती है। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा। मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। सभी विपक्षी दलों के नेता जुटे थे, लिहाजा संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर चर्चा होनी तय थी। तय हुआ कि विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ गठबंधन 22 दिसंबर को देश भर में प्रोटेस्ट करेगा, यानी गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन 22 दिसंबर को होगा। बैठक में ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को और पारदर्शी बनाने की बात कही गई। अपनी मांग को लेकर जल्द ही इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्कुल चर्चा हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो हम इस सवाल को उठाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के दलों के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई है। ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए तय हुआ कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही तय हुआ कि 10 पॉइंट का एजेंडा आगे बनाया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग होगा। कुल मिलाकर बैठक का सार यही रहा कि गठबंधन की पार्टियां सीट शेयरिंग पर फोकस कर रही हैं। फोकस ये है कि पहले सीटें बांट ली जाएं, फिर एजेंडा तय किया जाएगा, फिर गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। दिल्ली से जयनंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।